इस वक्त एक अपोजिशन कुंती एक रुकन है। नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है पीओके से, जहां पीओके की विधानसभा में कांड हो गया है। आपको दिखाते हैं आखिरकार कैसे पीएम को ही वहां पर कूट दिया है, आपको इस वीडियो में दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार वो कहावत है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, कहावत पूरी तरह से पाकिस्तान पर फिट बैठ रहा है। जो पाकिस्तान पीओके में गलत तरीके से उसने कब्जा कर रखा है, वो पाकिस्तान आज वहीं के लोग और वहीं के खुद के राजनेता भी अब आग बबूला हो चुके हैं। तो आखिरकार कैसे हुआ ये सारा कुछ, और वो पाकिस्तान जो भ्रष्टाचार के तंत्र पर, आतंकवाद पर, और वो पाकिस्तान आज आतंकवाद से तो था ही लेकिन आज भ्रष्टाचार के तंत्र से पूरी तरह से त्रस्त है, और पाकिस्तान में पीओके की जनता त्रस्त है, जो बार बार भारत की तरफ अपनी निगाहें उठाकर आशा भरी निगाहों से देखती है नजरों से, और कहती है कि भारत जल्द आए और पीओके के अपने पीओके के अपने जद में ले लिए। चलते हैं आपको पूरी खबर की तरफ, जहां आपको दिखेगा कि आखिरकार पीओके की विधानसभा में जो कुछ हुआ है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के कर्मों का ये फल है, उसके जो पाप किए हैं उस पाप का ये फल निकाला जो आपको इस वीडियो में दिखेगा। दिखाते हैं आपको पूरा का पूरा, पूरी की पूरी खबर, पाकिस्तान के कब्जे वाली खबर वाली इस खबर पर हम आपको कहीं ना कहीं आगे खबर दिखाएं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान के कृत्यों के बारे में जरूर कुछ लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पाकिस्तान की जो विधानसभा में हुआ है उस विधानसभा पर उस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दिखाते हैं आपको पूरी खबर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विधानसभा में कल की खबर है, जहां पर मारपीट की खबर आई, और मारपीट यही नहीं था क्योंकि वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री को खींच कर घसीट कर उनको कूटा गया है। लोगों के पास अगर कुछ नहीं मिले तो उन्होंने माइक उखाड़े, कईयों ने तो अपने मोबाइल फोन से उठा उठाकर लोगों की कुटाई कर डाली, और ये कुटाई की वीडियो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो पूरी दुनिया के लोग यही कह रहे हैं कि आखिरकार जैसी करनी वैसी भरनी, और जो मैंने कहा ना बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, तो वही हालत यही है कि जब आतंकवाद को पाला था तो आपस में भी वही आतंकवाद आज एक दूसरे को खा रहा है। ये हालत पाकिस्तान की है। आपको बता दें कि यहां पर विधायकों के बीच जो सत्र चल रहा था वहां पर आम सत्र चल रहा था, जिसमें विधायकों के बीच में जो है वो थोड़ी बहुत गहमागहमी शुरू हो गई। गहमागहमी शुरू होने का जो मकसद शुरुआती वो था, माजरा था, वो बड़ा ही अजीब था, लेकिन ये मामला आगे पहुंचते पहुंचते चलते चलते जहां तक पहुंच जाता है कि साहब वहां के प्रधानमंत्री को पूर्व घसीट करके उनको माइक से पहले कूटा जाता, उसके बाद मोबाइल फोन, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं मिलते हैं तो मोबाइल फोन से उनको कुटाई करने की वीडियो वायरल हो जाती है। आपको सबसे पहले उसके अलावा मारते समय सबसे अहम वीडियो जो थी, क्योंकि मारते समय भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। यह है पाकिस्तान, पाकिस्तान के ये हैं संस्कार, और पाकिस्तान की ये है पूरी की पूरी कहानी। आपको बता दें हंगामे के तरफ चौतरफा जहां हंगामा होता है, इस तरफ पाकिस्तान जो बहसबाजी मेंबर्स एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और गंभीर आरोप लगा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ पीटीआई के विधायक फहीम रब्बानी ने पीओके के प्रधानमंत्री पूर्व राजा फारूक हैदर को अपने माइक से सेलफोन से कूट कूट कर मारा है वहां पर, और वहां पर उनको भद्दी भद्दी और गंदी गंदी गालियां दी हैं। इससे पहले हम आपको वीडियो चलिए दिखा देते हैं, इससे पहले हम आपको पूरी खबर दिखाएं, एक ट्वीट आपके सामने दिखा रहे हैं। आपके सामने एक ट्वीट है, ब्रेकिंग न्यूज, ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर लिखता है पाकिस्तान के लोग, और एजेके गवर्नमेंट मिनिस्टर फहमीन रब्बानी हिट एक्स पीएम फारूक विथ ए माइक। यहाँ पर पूरी चीज़ें नहीं की गई हैं, जहाँ पर साफ तौर पर सिर्फ माइक नहीं सेलफोन है, गालियाँ हैं भद्दी तौर पर। कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखा देता हूँ विधानसभा के। इस वक्त एक अपोजिशन कुंती एक रुकन अपोजिशन रहनुमा पे जो है ना वो माइक दे मारा है, और ये आज़ाद कश्मीर, ये पूरा का पूरा वाकया था। आगे और चीज़ें भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले पूरा मामला क्या था वो आपको बता देते हैं। पूरा मामला जब तूल पकड़ने लगा तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो नेता हैं लतीफ अकबर ने पीओके के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास पर इमरान खान
को विधानसभा में सदस्य बनने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा दिया। इसके तुरंत बाद विधानसभा के सदस्यों में मारपीट हो गई। पीटीआई के फहीम रब्बानी ने पीओके के पूर्व पीएम राजा फारूक हैदर को निशाना बनाते हुए सेलफोन से पहले निशाना लगाया सर पर, उसके बाद भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया, माइक उखाड़ कर मारना शुरू कर दिया। और इन सबके बीच में जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने सिर्फ यही कहा, मैंने कहा ना बोया पेड़ बबूल का तो कहीं ना कहीं फूल आम कहाँ से हो। पीओके के पूर्व पीएम हैदर को कोसते हुए विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री पीटीआई जो है पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को रिश्वत देकर विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि मैं 1985 में विधानसभा में हूं और PPPP के नेता द्वारा लगाया गया जो ये आरोप था, इन आरोपों को विधायकों ने अंजामा बचा दिया। और स्थानीय मीडिया के अनुसार पीओके विधानसभा ने हस्तक्षेप करने वाले ट्रेजी को पिंच पर विधायकों से कहा कि अगर विपक्षी नेता के भाषण को कोई आपत्ति है तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए। इसके विपरीत PPP के नेता जो हैं लतीफ जो अकबर हैं द्वारा सदन के नेता के खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कहा गया कि इलियासी थे जिन्होंने मीडिया के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। अकबर ने इलियास पर जकांत फंड से पैसे लेने का भी आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है। इस बीच पीटीआई के फहीम रब्बानी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर को निशाना बनाते हुए एक सेलफोन से उनके सर पर दे मारा। इससे विपक्ष के विधायक और ट्रेजी के बेंच से सदस्य की मारपीट हो गई। शुरुआत यही होता है कि जब शुरुआत में ये पूरे की पूरी वार्तालाप चल रही होती है, उस दौरान वहाँ पर जो ये विधायक हैं वो सीधे तौर पर निशाना मोबाइल से निशाना साधते हुए एक पूर्व प्रधानमंत्री हैदर के उसके सर पर मार देते हैं और उसके बाद मामला पूरा तूल पकड़ता है। उसके बाद माइक उखाड़ करके ये, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा वाक्या था, सारी चीज़ें विजुअल्स जो हैं वो आज नहीं आ पाए हैं क्योंकि बाद में, क्योंकि ये मामला विधानसभा के अंदर का था तो कुछ विजुअल्स को काट दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इधर उधर से लोगों ने जो विजुअल्स बनाए वो उससे आधार पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पीओके में जो कुछ हुआ है वहाँ पर एक तो तरह से जो मारपीट के अलावा जो वहाँ पर भद्दी गालियाँ और अपशब्दों का प्रयोग किया गया है वो किसी भी विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं वो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। और यहाँ पर पाकिस्तान के पीओके में ये सारा कुछ हो रहा है। अगर इसी बारे में पीओके के वासियों से बात की जाए तो वो लोग साफ कहते हैं कि ये जितने यहाँ पर हैं सब लूटने आए हुए हैं और लूटने वाले ये हैं कि जितना मिल सके उतना लूट लो। इसलिए जो इमरान खान को लेकर बात करी, जो बाकी लोग के लेकर बात की जा रही है, वो साफ तौर पर पाकिस्तान साफ तौर पर यहाँ पर किसी तरह से लूट खसोट करके यहाँ से निकलना का प्रयास हमेशा से कहीं ना उसे पता है कि भारत एक दिन ये पीओके को अपने जद में लेगा, इसलिए वो इस तरह के कृत्य करते हैं। जितना हो सकता है पीओके की चीज़ों को विदेशों को बेचते हैं। चीन को यूं ही नहीं सीपेक दिया था, वो साफ तौर पर था कि चीन को सीपेक देने का मतलब ही था कि भारत जब तक आएगा तब तक कम से कम वो किसी तरह से पीओके से कुछ चीज़ें हैं वो अपने उसके चीज़ों को फ़ायदा ले सके, उसके मिनरल्स का फ़ायदा ले सके। लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्द भारत अपने जद में लेगा, ये भी बात सच है। लेकिन आज के जो कृत्य है पाकिस्तान के पीओके की विधानसभा की, ये कहीं ना कहीं दुनिया में ये वीडियो पाकिस्तान को शर्मसार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।